वहाँ पे हमारे की है जो लंबे साहब है, उसके बाद जब पवार और बाकी की टीम जो है मारने और खान बाकी के लोग वहाँ पे गए, वहाँ देखने के बाद पता चला कि एक आदमी की बॉडी है और उस पर खून लगा हुआ है और उसको मार के बांध के इधर फेंक दिया गया। तो उस हिसाब से इमीडिएट मैंने भी एसीपी धोले जो है उनको भेजा वहाँ सब देखने के लिए। इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम हमारी वहाँ पे पहुँची और बॉडी की शिनाख्त करना बहुत ज़रूरी था, तो ये हो नहीं पा रहा था। तो उसके इसमें हमने सब छानबीन की पूरी बॉडी, उसके कपड़े वगैरह, उसमें प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर का वो मिला। तो इस तरीके से कौन डॉक्टर जो है ये प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। और दूसरा ये कि वो जो आदमी था उसके पूरे बॉडी पे मोती कारखाने में जैसे कलर इस्तेमाल किया जाता है गोल्डन कलर, लाल कलर का, उस तरीके से उसकी बॉडी वो कलर से भी हुई थी, कुछ जगह पे कलर लगा हुआ था। तो ये 100% मोती कारखाने में काम करने वाला आदमी है, वो हमने छानबीन शुरू कर दी। फिर उसका जो फोटो वगैरह है और दूसरा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हिसाब से अलग अलग टीम बनाई और पूरे भिवंडी शहर में गई, ऐसा कौन सा डॉक्टर है इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन उसने दिया है। तो बाद में पता चला कि, और एक दूसरा एंगल इसमें था कि भाई कौन जो आदमी है सुबह से दो दिन से लापता है मिर्ज़ापुरा सेक्शन में या पूरे भिवंडी शहर में। तो एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक जो औरत है वो सुबह से उसके हस्बैंड को ढूंढ रही है और उसका आता पता कुछ मिल नहीं रहा। तो उसको बुलाया गया, उसके लड़के को बुलाया गया और जो बॉडी की शिनाख्त की गई उसमें जो बॉडी है उसके गाल के ऊपर तिल था, काले रंग का हाथ में धागा था और ताबीज उसने बांधा हुआ था बाएं कंधे पे। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारे पिताजी हैं, अरमान शेर अली शाह इसका नाम है। उसके बाद वो जो गोल्डन कारखाने में काम करता था वो वही इसका किस किस से कांटेक्ट हुआ क्या हुआ। तो बाद में उसी दरम्यान ये सब पूछताछ चल रही थी कि ये आदमी है उसका दोस्त जो कहता है नाम है उसका सलमान, ये खुद उठे सामने आया और उसने कहा कि ऐसा ऐसा ये वाकया हुआ है और इसमें और दो लोग शामिल हैं। तो जो बाकी के जो पूरे दोस्त थे उनकी जान पहचान थी, जो मरा हुआ था उसका जो है उसकी औरत का ये दोनों के साथ कोई संबंध होने का उसको शक हुआ था, ये जो दोनों को कि भाई ये हस्बैंड जो है जो मरा हुआ आदमी है ये औरत के बहुत मतलब उसके ऊपर संशय सस्पेक्ट हमेशा ये कहता रहता है कि तेरा किसी के साथ चक्कर है या इस तरीके के, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। तो ये दोनों लोगों को जो है ये बात भटकती थी, तो उन्होंने उसका भाई इसका काम तमाम करना है ये सोच के उन्होंने जो है 20 तारीख की रात को ये पूरे जो इसका मर्डर किया। वो जो सलमान का जो भाड़े से लेवा गोडाउन था वहाँ पे घूम चलते थे, तो डंडे से वगैरह उन्होंने मारा उसको और वो वहाँ से भागे। भागने के बाद ये जो दोनों लोग इसमें आरोपी नंबर एक है मोहम्मद सलमान अब्दुल मुकीत शेख उम्र 27 साल किरानीपाड़ा शांतिनगर भिवंडी में रहता है, दूसरा तस्लीम खलील अंसारी ये मेन एक्ट्रेस है जो ये जिन्होंने मेन कांड ये आदमी ने किया है, घर नंबर 12-27 आमपाड़ा भिवंडी और चांद बाबू उसका ये दोस्त है उसको बिलाल सईद अंसारी आमपाड़ा में रहता है। तो ये तीनों ने मिलकर ये काम को अंजाम दिया। ये दोनों जो है तस्लीम खलील अंसारी और चांद बाबू बिलाल सईद अंसारी ये दोनों यहाँ से सीधा लखनऊ भाग गए ट्रेन से। हमारी टीम मतलब लगभग 20 तारीख से लेके कंटिन्यू 2 दिन अलग अलग टीम, यह पवार, यह लंबे, कुछ बड़के साहब कंटिन्यूसली जांच पड़ताल में थे, हमेशा इस तरीके से आगे बढ़ना है और इसको ये हम दोनों आरोपियों को पकड़ना है। तो फिर आगे जाके लखनऊ के एसपी वहाँ के डीसीपी से हमारी बातचीत हुई,
कि भाई ये आने के बाद जीआरपी पुलिस जो है रेलवे पुलिस उनसे भी बात हुई थी, उनको कैसे पकड़ा जाए, ट्रैप लगाए, तो वहाँ से वो तो निकल गए। फिर एक टीम हमारी जो है यहाँ से फिर निकली, PSI कुंभार, चंद्रा थे नाइक, सोनू ने, धोते शेख, ये सब लोग यूपी की तरफ रवाना हुए, लखनऊ तक पहुँचे। बाद में पता चला कि जो एक्यूज है, मतलब ये तस्लीम हलीम अंसारी और चंद बाबू, ये फिर चकमा देके उनको किसी ने बताया, पूछताछ में पता चल गया होगा कि कुछ पुलिस आपका पीछा करे, फिर वापस वो महाराष्ट्र की तरफ आए और भुसावल में उनको फिर एक टीम बना के, और जैसे SI फौजदार खान, अल्लाड, इंफाड़, उनको भुसावल भेज दिया गया। और इन्होंने आने वाली टीम और इन्होंने बराबर ट्रैप लगा के उनको भुसावल रेलवे स्टेशन पर दबोच लिया। बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया है। मैं भी पूरा इसमें, मुझे भी 2-3 दिन की जब तक ये पूरे आरोपी मिलते नहीं, क्योंकि बहुत क्रूएल्टी हम जिसे कहते हैं कि बुरी तरीके से उसको मारा गया था, तो वो पकड़ने आरोपी सभी जरूरी थे। सभी इन्वेस्टिगेशन उसमें अभी चल रहा है। आरोपियों को मेरे ख्याल से 6-7 दिन 28 तक किसी मिली, वो हमारे जो DCP प्रशांत भोले हैं, पहले दिन उन्होंने पूरा ध्यान दिया, उसके बाद शाम से बड़के साहब वहाँ पे आ गए और वही सब स्पॉट वगैरह ये वो CDR सब निकाल के सब एनालिसिस बेस पे आरोपियों पर छानबीन, मतलब पूरी तरीके से जो ये किया है। आरोपियों का कुछ पिछला रिकॉर्ड है क्या क्राइम से? अभी तक तो ये जो तीनों आरोपी इसमें जो शामिल है उनका कोई भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। ये मतलब इन्होंने सोच समझ के किया हुआ ये प्लान, इसलिए वो भाग भी गए, लेकिन पुलिस ने उसको समय पर घर पहुंचा। सर, मौत के कितने दिन के बाद उसका शव मिला और पुलिस ने आरोपी को कितने दिन के बाद अरेस्ट किया? मौत के जिस दिन रात में उसको मारा, 19 तारीख को रात में मार के, मतलब 20 को ही सुबह 4:30-5 के करीब उसको ब्रिज के नीचे मार के डाल दिया, और 20 की सुबह 9:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह का जो बॉडी है ये एक गोनी में वाइट कलर की मिली। तो हिसाब से आगे की सब हमारे सीनियर PI पवार साहब, सब ACP वगैरह सब जगह पे पहुँच के आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 2 दिन में 48 आवर्स में आरोपियों का हमने अरेस्ट किया। इसमें जो है पुलिस हमारे सीनियर PI तो ही दीप बने साहब, जो उनके पास कपास है अभी लंबे या लंबे, उसके बाद SI जमीर शेख, SI आशीष पवार, API DD मारने, SI कुंभार, SI खान, SI सूर्यवंशी, पुलिस हवलदार गुल्लार, पुलिस हवलदार अल्लाट, पुलिस हवलदार भोसालकर, पुलिस नायक दलवी, पुलिस नायक राठौर, पुलिस नायक इम्फाल, पुलिस नायक खड़के, पुलिस नायक चंद्राथ्रे, पुलिस नायक धोत्रे, पुलिस नायक काये, पुलिस सिपाही सोनोने, पुलिस सिपाही इब्राहिम शेख, पुलिस सिपाही गौड़े, पुलिस सिपाही विजय ताटे, इन सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसमें अपना योगदान देके आरोपियों को 48 आवर्स में घर दो बचा है, और इसीलिए उनको PC भी मिली। जी सर, थैंक यू। और भी आरोपी हो सकते हैं? नहीं, इसमें यही है, अभी कोई आरोपी बस उन्होंने कबूल भी किया है, और हमारे इन्वेस्टिगेशन में वही तक सीमित है। थैंक यू।